मुज़ाकरात में बन्नू धरना जारी रखने पर इत्तेफाक मुतालिबात अपेक्स कमेटी को पेश होंगे। वजीर आला अली अमीन गुंडापुर की जेर सदारत वजीर आला हाउस में जिरगा हुआ, जिसमें बन्नू जिरगे के अमायदीन और मिश्रान ने शिरकत की, जिसमें 60 से अफराद ने शिरकत की। इसके अलावा इजलास में चीफ सेक्रेटरी, IGP, RPO बन्नू, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी शरीक हुए। बन्नू वाकये से मुतालिक तश्कील करदा जिरगा अरकान ने वजीर आला अली अमीन गुंडापुर से मुलाकात करके अपने मुतालिबात पेश किए। जिरगे के सदर नासिर खान बंगश ने कहा कि वजीर आला ने हमारे तमाम मुतालिबात सुन लिए और कहा कि मुतालिबात से मुतालिक वजीर आला अली अमीन गुंडापुर ने 48 घंटे में सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया दे दिया। उन्होंने बताया कि वजीर आला ने कहा कि अपेक्स कमेटी के इजलास में जिरगे के 5 अराकीन भी शिरकत करेंगे और अपेक्स कमेटी इजलास में मुतालिबात पर गौर किया जाएगा। जुमा के दिन वजीर आला अली अमीन गुंडापुर बन्नू का दौरा करेंगे। इस दौरान वो धरने के शुरका के सामने एपिक्स कमेटी का फैसला रखेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से फैसले सामने रखने के बाद धरना खत्म किया जाएगा। दूसरी जानिब मुशीर इत्तिलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि बन्नू अमन कमेटी का इजलास वजीर आला हाउस में मुनक्किद हुआ। वजीर आला अली अमीन गुंडापुर ने अमन कमेटी मेंबरान के साथ घुल मिलकर बन्नू की सूरत हाल और दहशत गर्दी पर बातचीत की। बैरिस्टर सैफ ने बताया कि बन्नू में होने वाले अफसोसनाक वाकये के बाद इंतजामिया के साथ मुकम्मल तआवुन करने पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अमन कमेटी मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। अमन कमेटी ने बन्नू में अमनो अमान कायम करने में इंतजामिया की मदद की, जो काबिल तहसीन इकदाम है। उन्होंने बताया कि इजलास में फैसला हुआ कि सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। अपेक्स कमेटी में दहशतगर्दी से मुतालिक तमाम उमूर पर बात होगी। अपेक्स कमेटी इजलास में सूबे में अमनो अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि अमन कमेटी के तमाम मेंबरान ने वजीर आला पर एतमाद का इजहार किया और बन्नू के द्वी की दावत दी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वजीर आला बरोज जुमा बन्नू का दौरा करेंगे। इजलास में फैसला हुआ कि बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। इतवार को बन्नू में होने वाले वाकये पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर का वीडियो बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एथिक्स कमेटी इजलास में कुछ मुसल्ला लोगों की निशानदेही की। ये मुसल्ला लोग खुद को सरकारी अहलकार कहते हैं और सरकारी इदारे से खुद को मुंसलिक करके घूमते हैं। सूबे में मुसल्ला अफराद के सरकारी और गैर सरकारी मामलात पर अवाम, हुकूमत और पुलिस को शदीद तहफ़ुज़ात हैं। अली अमीन गुंडापुर का मजीद कहना था कि बातचीत के जरिए मामले को हल करने पर बन्नू के मिश्रान, अपनी पार्टी के जिम्मेदारान और दीगर तमाम लोगों का मशकूर हूँ। मामले पर इलाका मिश्रान की एक कमेटी तश्कील दी है।